दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी MIUI का फीचर आता है तो सबसे पहले चाइना रोम में आता है। अभी कुछ ऐसे ही फीचर आए हैं, क्लीनर एप्लीकेशन में एक अपडेट देखने को मिला है, नोट्स एप्लीकेशन में अपडेट देखने को मिला है और मी हेल्थ एप्लीकेशन में भी एक न्यू अपडेट देखने को मिला है। तो इन सभी अपडेट को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या कुछ नया देखने को मिला है, तो इस वीडियो में आप देखते रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं डिजिटल अवतार चैनल। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, चाइना रोम में सबसे पहले फीचर्स आते हैं, पर इन्हें आप अगर इंडियन रोम या ग्लोबल रोम यूज कर रहे हैं तब भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं, इन फीचर्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लीनर एप्लीकेशन में आए हुए एक अपडेट की, जिसके बाद से इसमें जो है क्लीनर वाला एक न्यू UI देखने को मिला है। और इस तरह का जो UI अगर आप पाना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्लीनर की लेटेस्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में APK मिल जाएगी, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट अपडेट है ये मी हेल्थ एप्लीकेशन में मिला है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अब इस मी हेल्थ में क्या कुछ नया देखने को मिला है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मी हेल्थ को सर्च कर लेते हैं। तो ये रहा मी हेल्थ एप्लीकेशन, इसे ओपन करते हैं। अब देखिए, पहले की तरह आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मी हेल्थ एप्लीकेशन में भी एक UI में चेंज देखने को मिला है। अब वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको हेल्थ के बगल में वर्कआउट जो लिखा हुआ है यहाँ पर टेप करना है। जैसे ही आप टेप करेंगे फिर आप देखिए यहाँ पर रनिंग और ट्रेडमिल इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ट्रेडमिल का ऑप्शन पहले भी था, पर यहाँ पर रनिंग के साथ में इसे ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंज देखने को मिलेगा मी हेल्थ के अंदर। बाकी सारे फीचर जो हैं वो पहले भी वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लास्ट अपडेट की, वो आपको देखने को मिलेगा नोट्स ऐप्स में। तो इसकी भी APK आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है नोट्स ऐप में आपको माइंड मैप वाला जो फीचर है वो देखने को मिल गया है। कोई भी क्रिएट नोट अगर आप न्यू क्रिएट करते हैं तो आप माइंड मैप उसमें बना सकते हैं। माइंड मैप कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप जा करके चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा आपको जो ड्राइंग टूल वाला फीचर है वो तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाएगा, तो आप अपने नोट्स में ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। यही कुछ हैं अपडेट जो कि अभी कुछ लेटेस्ट एप्लीकेशन में देखने को मिले हैं। और आप इन्हें मैंने रेडमी नोट 7 प्रो में इंस्टॉल किए हैं, आप Redmi Note 7 Pro एवम में ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।